नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप समस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये है एक स्टील का ग्लास और आपको पता कि ये ग्लास काफी मजबूत होता है। लेकिन हमारे पास एक और पावरफुल चीज है, वो है ये दिवाली वाला अनार। आपको पता कि ये कितना पावरफुल होता है। तो आज ये टेस्ट करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये ग्लास या ये अनार। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाला, इस अनार को जलाएंगे और इसके ऊपर इस ग्लास को रख देंगे और फिर देखते हैं इस ग्लास का क्या होता है या इस ग्लास इसका पावर झेल पाता या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ अनार ले चुके हैं और अनार को अब जलाते हैं और इसके ऊपर ग्लास को रख देते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए अनार को जला लिए हैं और अब इसके ऊपर ग्लास को रख देते हैं। ओहो दोस्तों, आप हालत देख सकते हैं ग्लास की, कितनी खतरनाक हालत हो चुकी है इस ग्लास की। चलिए आपको हम थोड़ा नज़दीक जाके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस ग्लास का जो पीछे वाला हिस्सा है वो बाहर निकल चुका है, साइड में रखा हुआ है निकल करके। और ग्लास को आप देख सकते हैं बिल्कुल कागज़ की तरह दिख रहा है, लग रहा है कागज़ जला हो, ये सब बन गया है। दोस्तों, काफ़ी ख़तरनाक हालत इस ग्लास की हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है फिलहाल, इसको हम छू नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही होता है जब अनार को जलाते हैं और उसके ऊपर ग्लास को रख देते हैं, तो ग्लास की ये हालत होती है।
तो गाइस देखा आपने कि इस अनार में कितना पावर होता है। इसने तो इस ग्लास की पूरी वाट लगा दी। आपने देखा कि जब हम अनार को जलाएं तो इस अनार ने इस ग्लास के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो उसका पेंदी होता है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। वो पेंदी ही पूरा निकल गया। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ भी कहीं पर भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।